अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विथ हार्ट में। आज हम बना रहे हैं चिकन पॉकेट रोल। चिकन पॉकेट रोल बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। लिटरली सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसका अंदर से जूसी फ्लेवर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए एकदम आसान, बहुत ही आसानी से बनने वाला वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन पॉकेट रोल बनाना शुरू करते हैं। चिकन पॉकेट रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन। ये 250 ग्राम चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इस पर हम सबसे पहले डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक डाला है, एक छोटा चम्मच है मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम इसके ऊपर धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरावन। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। दो छोटे चम्मच हम इस पर डालेंगे तेल। ये नॉर्मली रिफाइंड ऑयल है जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे मीठा तेल भी कहते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्रेश दही, यानी कि हमें बिल्कुल ताज़ा दही यहाँ पर यूज़ करना है। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हमने सभी चीज़ों को मिला दिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेड फूड कलर भी डाल सकती हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो 3 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और करीब 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है। अच्छे से हम इसे मिला देते हैं। बस हमें इतना ही मसाला लगाना था चिकन को। अब हम इसे ढक कर रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है तो अब टाइम आया है हमारे चिकन को पकाने का। तो मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, इसे मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई में आ गया है 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, इसे मीठा तेल भी कहते हैं। आप चाहें तो सोयाबीन ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन को हम यहाँ पर थोड़े ही तेल में पकाएंगे। पहले भी हमने 2 चम्मच तेल डाला था चिकन में। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर ढक कर रख देते हैं ताकि ये चिकन अपने ही पानी में अच्छे से पक जाए। हमने पहले ही चिकन में सब कुछ डाल दिया था तो अभी हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में हम इसे 1-2 बार चला देंगे और फिर से ढककर हम इसे पूरा पानी अच्छे से सूखने तक पका लेते हैं। चिकन का गलना उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपका चिकन इतने पानी में नहीं गलता है तो आप इसके अंदर 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से पका लें। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चिकन का पूरा पानी अच्छे से सूख चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और एकदम खिला खिला ही हमारा चिकन बना है। और ये चिकन पराठे के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मेरा तो ये लिटरली बिल्कुल फेवरेट चिकन है। इसे हम दबा कर देखेंगे तो ये अच्छे से गल चुका है। इस जूसी चिकन के हमें पॉकेट रोल तैयार करना है तो इसे ठंडा होने के लिए हम एक बाउल में निकाल कर रख देते हैं। और अब हम चिकन पॉकेट रोल के लिए आटा लगाएंगे या फिर डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर डाला है मैंने 2 कप मैदा। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो। बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। गुनगुने पानी से या फिर हल्के गर्म पानी से हम इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे, जिसे हम रोटी के लिए या फिर चपाती के लिए आटा लगाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे पानी एक साथ नहीं डालना है क्योंकि मैदा बहुत जल्दी पतला हो जाता है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। इतना डो तैयार करने में मुझे 1/4 कप से भी कम पानी लगा है और इसे अब हम गोल करके सेट होने के लिए रख देते हैं। अभी हमें इसे बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। डो को हम आराम करने देंगे और जब तक हम चिकन पॉकेट रोल के लिए अंडे तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडे या फिर एग्स लिए हैं। इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। वैसे मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर क्योंकि थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है। 1/4 छोटे चम्मच के करीब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम एक छोटे विस्क से अच्छे से इसे फेंट लेते हैं। हमें इसे बहुत अच्छे से फेंटना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। अंडे को हमने बहुत अच्छे से विस्क कर लिया है, यानी कि फेंट लिया है।
और अंडे को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है नॉन स्टिक, इसे मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। ये तवे पे हम लगाएंगे तेल, तो हमें बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पर एक ब्रश से बिल्कुल थोड़ा सा इसमें तेल लगा रही हूँ और अब हम इसके छोटे छोटे से अंडे तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी चम्मच बना लेना है और उसी से हमें अंडे को फैलाना है। जैसे हम डोसे के लिए बनाते हैं बैटर और उसे अच्छे से गोल कर लेते हैं, ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है हमें ये अंडे के लिए। इससे हमारा पॉकेट रोल के लिए बहुत ही परफेक्ट अंडा मिलेगा। दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे और ये हमारा एकदम पतला और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अंडा बनके तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे बैटर के अंडे फ्राई कर लेते हैं। करीब 10 मिनट हो चुके हैं और ये डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो हमने इस पर डाला है एक छोटा चम्मच तेल, नॉर्मली जो हमारा सब्जी बनाने का तेल रहता है वही है ये। अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे ताकि हमारा आटा एकदम चिकना और सॉफ्ट हो जाए। चिकन पॉकेट रोल के लिए सभी तैयारी हो चुकी है, तो अब वक्त है चिकन पॉकेट रोल बनाने का। तो हमने यहाँ पर ले लिया है हमारा डो, तले हुए अंडे और जो हमने चिकन को कुक करके रखा था वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले हम लेंगे ये डो, यहाँ पर हमें अच्छी बड़ी लोई लेना है। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी लोई को जैसे पूरी बनाते हैं हम उस टाइप से भी बेल सकती हैं, लेकिन उससे कुछ रोल छोटे हो रहते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं। सेम साइज़ के और बहुत ही खूबसूरत रोल बनाने के लिए हमें एक बड़ी लोई लेना है, उसे अच्छे से हम बेलेंगे। हमें यहाँ पर बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है, जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं बिल्कुल बस हमें उतना ही इसे बेलना है। और अब हम इसे काट लेंगे, तो मैं यहाँ पर एक ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा जैसे आपको पसंद हो आप ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो एक कटर भी यूज़ कर सकती हैं। अगर इस तरह से हम कट करते हैं तो हमें एकदम सेम साइज़ के पॉकेट रोल मिलते हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक रोल की पट्टी को हम कर देते हैं साइड में और हम वर्क करेंगे अभी एक ये रोल के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी भी ले लिया है ये रोल को चिपकाने के लिए। इसे हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस पे हम रखेंगे फ्राई एग यानी कि तला हुआ अंडा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एकदम पतला है ये और बहुत ही परफेक्ट साइज़ है इसका, बड़ा या छोटा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे हम रखेंगे चिकन, तो यहाँ पर चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं जैसा आपको पसंद हो। मैं थोड़ा ज़्यादा चिकन पसंद करती हूँ चिकन पॉकेट रोल में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, बाकी आप इसे कम भी कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेयोनेज भी लगा सकती हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बाकी मैं प्लेन रोल बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर मेयोनेज यूज़ नहीं किया है। किनारों पे हमने इस पर लगा दिया है पानी ताकि ये रोल हमारा जो पॉकेट है वो खुले नहीं। और अब हम इसे पहले ऊपर से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा चिकन पॉकेट रोल बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, आप देख सकती हैं। और हमने पानी से इसे पैक किया है तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। इसे हम रख देते हैं एक प्लेट में और बिल्कुल इसी तरह हम बाकी जो सामान है उसके भी पॉकेट रोल तैयार कर लेते हैं। चिकन पॉकेट रोल को तलने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गर्म होने रख दिया था। हम यहाँ पर पॉकेट रोल को शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं। तो तेल में हम थोड़ी सी एक लोई बनाएंगे छोटी सी और वो डालकर देखेंगे। तेल को चेक करने का ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। हमने सारे रोल बनाकर तैयार करके साइड में रख दिए हैं और ये जो हमारा थोड़ा सा डो है ये आप देख सकती हैं जल्दी से ऊपर आ गया है, फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए था, तो इसमें अब हम पूरे पॉकेट रोल डाल देते हैं। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं डालना है, जितना एक बार आसानी से कढ़ाई में आ जाए बस उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और मध्य आंच पे ये रोल को हम दोनों साइड से अच्छे से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं यानी कि तल लेते हैं। तो दोनों साइड से हमने चिकन पॉकेट रोल को अच्छे से फ्राई कर लिया है।
तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया गोल्डन और एकदम क्रिस्पी ये दिख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम बचे हुए पूरे पॉकेट रोल को तैयार कर लेते हैं। और ये हमारे चिकन पॉकेट रोल बहुत ही आसानी से बनके तैयार है। देखा आपने कितने बढ़िया ये बने हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट चिकन इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आप इसे एक बार बनाएंगी तो इसकी फ़ैन हो जाएंगी, बार बार इसे बनाने का दिल करेगा। बहुत ही जूसी और टेस्टी रेसिपी है। अगर आप मेरी इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहती हैं तो आप मेरे सेकेंड चैनल कुक विद हार्ट इंग्लिश पर जाकर मेरी ये पूरी वीडियो को इंग्लिश में देख सकती हैं। और सिर्फ हमारे 2 कप मैदे में आप देख सकती हैं कितने सारे चिकन पॉकेट रोल तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट जूसी और टेस्टी है ये। तो अगर आपको मेरी ये एकदम जूसी और टेस्टी चिकन पॉकेट रोल की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी की वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।